मेरी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम केवल सर आज आप लोगों को त्रिकोण मिति पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये चित्र बनी हुई है, ये ABC त्रिकोण मितीय अनुपात मुख्य रूप से तीन होते हैं, साइन, कॉस और टैन, और इसके तीन उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा कोशेक और कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। तो ये कब लागू होगा लंबटा का, ये जितने भी रूल्स लिखे हैं ये कब लागू होगा, ये जब एक समकोण त्रिभुज होगी, ठीक। तो जब समकोण त्रिभुज बनेगी तो उसके सामने वाली भुजा काट होगी, और जो कोण हम लेंगे, जब मान लो थीटा कोण यहाँ ले रहे हैं, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और जिस भुजा पर कोण लेंगे वो हमारी आधार होती है, ठीक। और इन तीनों में और इस त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक संबंध होता है। जब हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो होती है लंब बटा कर्ण, और कास की अगर फाइंड आउट करनी है तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपका ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, जैसे टैन थीटा का लंब बटा आधार होता है। अब तीन इसका उल्टा, जैसे साइन का उल्टा कोशेक होता है, तो जब कोशेक होता है तो कोशेक, अब ये नीचे जो है वो ऊपर और ऊपर जो है वो नीचे हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी कर्ण बटा लंब। ऐसे कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर कर्ण ऊपर गया और आधार नीचे आ गया, ऐसे लंब बटा आधार काट थीटा, काट थीटा ऊपर गया और क्या हुआ, ये मतलब काट थीटा, ये आधार ऊपर और लंब नीचे आ गया, ठीक। ऐसे आगे फिर बढ़ेंगे, अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू जब आपस में रखेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हाँ, एक चीज और, इसका एक रूल और है, एक रूल है, लाल बटा कक्का लिखते हैं, एल फॉर लंब, ये फॉर आधार और के फॉर कर्ण, ये होता है। अब इसमें क्या होती है कि जो साइन की होती है, पहले साइन का लंब, फिर साइन के बाद कॉस और फिर टैन, ठीक, यस सी टी, यस फॉर साइन, साइन का ये लगेगा और सी फॉर कॉस, कॉस का ये वाला लगेगा और टी फॉर टैन वाला ये लगेगा। चलो, तो साइन की वैल्यू मैंने जब रखा तो ये देखिए साइन लंब बटा कर्ण और कोसेक का इसका उल्टा रख दिया गया, और क्रॉस करेंगे तो ऊपर नीचे कट गया तो एक आ गया। इसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक है, इसका और इसका गुणा हो गया बेटा। हाँ, एक चीज और, साइन और कॉस का गुणा है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि अगर बराबर का चिन्ह है, अगर इस बराबर के चिन्ह के इधर प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस, इधर कोई चीज गुणा है तो इधर भाग, और इधर कोई चीज भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ठीक उसी तरीके से ये साइन थीटा और कोसेक थीटा गुणा है, तो चाहे साइन थीटा बराबर वन बटा कोसेक होगा या कोसेक थीटा बराबर वन बटा साइन हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार सारे जितने भी अपोजिट हैं उल्टा है, कास इंटू सेक का गुणा एक होगा, ऐसे सेक थीटा बराबर, कब ये क्या है, कास गुणा है तो इधर भाग वन बटा कास, या सेक थीटा बराबर वन बटा कास हो जाएगा। ऐसे टैन थीटा कॉट थीटा का वन होगा तो ऐसे टैन थीटा बराबर वन बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर वन बटा टैन थीटा हो जाएगा आसानी से। फिर ऐसे टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार हुआ, अब कर्ण से दोनों में मैंने भाग किया, इनको अगर उल्टेंगे तो ये उलट जाएगा, जब उल्टेंगे तो उलट जाएगा, जैसे मैंने लिखा लंब बटा कर्ण किया, ए लंब बटा कर्ण किया, फिर ऐसे, अब ये जब उलट जाएगा इधर वाला, ये टैन वाला, ये तो कर्ण ऊपर जाएगा ये वाली पॉइंट, और आधार नीचे आ जाएगी, तो ये कर्ण आपका ऊपर जाएगा आधार, तो क्या हुआ, कर्ण से कर्ण कट गया तो लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार आपका टैन का मिल गया, कर्ण से कर्ण कट गया। लेकिन अब जब लंब बटा आधार केवल है तो हमारा क्या बनेगा, टैन बन जाएगा, लेकिन लंब बटा कर्ण ये साइन हो जाएगा,
और आधार बटा कर्ण जो नीचे लिखे थे वो कास हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से टैन थीटा बराबर हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा बटा कास थीटा। ऐसे आप कास थीटा कॉट थीटा इसका सेम उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और है, नीचे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर, अब इधर कोई चीज लाएंगे, अभी मैंने बताया, तो जिस कॉस इधर रखो चाहे साइन रखो, कास इधर रख रहे हैं तो ये साइन हो जाएगा माइनस, अगर साइन इधर रख रहे हैं तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर इधर रूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ऐसे रूट हो जाएगा। ऐसे ये भी अगर स्क्वायर इधर हटा रहे हैं, मतलब जब ये स्क्वायर हटा देंगे ठीक, ऐसे इधर भी अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एक होती है। ठीक, अब सेक स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे तो टैन इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ऐसे रूट हो जाएगी। फिर टैन स्क्वायर थीटा बराबर, अब टैन इधर इधर ले जाएंगे तो एक इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, ऐसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना।